So this question is from IIT 2019 Advanced Paper 1. क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर. आप कह सकते हो बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टफ भी पढ़ने को मिलता है. जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हम लोग नाइट्रोजन फैमिली जब पढ़ते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री तब वहाँ पे देखते हैं. ये सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड्स हम सल्फर के जब सल्फर के बारे में पढ़ते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री वहाँ पे देखते हैं. सिमिलरली बोरून के बारे में जब हम पढ़ते हैं बोरून कार्बन फैमिली में तब हम बोरून के ये स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. तो कुछ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है. अदरवाइज आप कहो तो केमिकल बॉन्डिंग का भी कह सकते हो कि सारा मिलाने के बाद फाइनली आपका एक क्वेश्चन डिजाइन किया है. पूछता है कि इनमें से कौन कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास सेम टाइप के एटम के साथ बॉन्ड बना हुआ. कह रहा दी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड. मतलब सेम एलिमेंट के साथ जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, बोरन बोरन का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, सल्फर सल्फर का. तो इस तरह से सेम सेम एलिमेंट के बॉन्ड आपस में बने हुए हो. उन स्ट्रक्चर्स को हमें यहाँ से निकालना है. तो एक करके इनको देखते चलते हैं. इनमें से काफ़ी फेमस हैं, कुछ कुछ तो ऑलरेडी हमें आते हैं. जैसे कि आप देखो आपको B2H6 पता होगा. जब हम बोरन कार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से ये सब पढ़ते हैं कि यहाँ पे ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होते हैं और इस तरीके से दो बोरोन आपके साथ जुड़े होते हैं. यहाँ इस बोरोन के साथ जुड़े हुए होते हैं. तो ये आपका B2H6 का स्ट्रक्चर है जिसमें आप ब्रिजिंग वाली आप बनाना बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते हो. जिसमें आप ऐसा सीखते हो कि बनाना बॉन्ड बन जाता है इन बिटवीन दिस बोरोन एंड दिस बोरोन. और ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड होता है जो कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है. ठीक है ना. अच्छा जी. तो यहाँ पे कोई भी आपका सेम एलिमेंट के साथ लिंकेज नहीं है. ठीक है ना. तो बोरन बोरन का कोई बॉन्ड है ना ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं. अगला स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है B3N3H6. इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला करते थे, आपको याद होगा. तो जैसे अगर आप अल्टरनेट पोजिशन पे BN लगा दो और इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन दे दो देन कह दो कि इसके लोन पेयर इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल में चले गए. कुछ यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बन गया. सिमिलरली आप बोल दो कि इसके लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में चले गए. सिमिलरली आप बोल दो इसके लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में चले गए. ऐसा करने से कुछ बेंजीन जैसा दिखता था, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन. और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी कोई भी सेम एलिमेंट के साथ कोई बॉन्ड नहीं. मतलब ना तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपस में कोई बॉन्ड बना हुआ, ना बोरन बोरन का आपस में कोई बॉन्ड है, ना ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है. सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाऊं तो अगला स्ट्रक्चर में मेरे पास आता है N2O का. N2O का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो N2O का स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग तरीके से कुछ लोग दिखाते हैं. कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं जिसमें इसके ऊपर प्लस चार्ज इसके ऊपर माइनस चार्ज दिखा देंगे. कुछ लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, जिसकी वजह से N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, इधर प्लस इधर माइनस. जब भी कभी दो एलिमेंट के बीच में ऐसे प्लस माइनस होकर एक बॉन्ड बना हो तो उसे डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. तो कुछ लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी दिखाते हैं. दिस इज ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड O. तो ये सारे एक ही स्ट्रक्चर, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल तो है ही है. तो ये तीनों स्ट्रक्चर हैं N2O के. और इसमें अगर आप देखो तो इसमें हाँ जी इसमें आपका N2O में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ, मतलब सेम एलिमेंट का आपस में बॉन्ड है. तो दिस इज योर आंसर. अभी एक तो हमें मिल गया. अगला देखने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट अगर हम ढूंढें तो नेक्स्ट है आपके पास क्या, अगला है आपके पास N2O4. N2O4 को अगर आप देखो तो N2O4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है. यहाँ एक डेटिव बॉन्ड डबल बॉन्ड हो और यहाँ एक डेटिव बॉन्ड. तो सिंपल सा स्ट्रक्चर नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री में. वहाँ अगर देखो तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड आपस में बना हुआ है, सेम एलिमेंट का बॉन्ड है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो योर आंसर. ये भी हमारा आंसर है. अच्छा जी. H2S2O3 एक बार देखते हैं. H2S2O3 अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी याद हो तो मैं आपको ऐसा कहना चाहूँगा H2S2O3 के स्ट्रक्चर के लिए आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लो एक बार. बस इसका एक सल्फर हटा के उसकी जगह पे सॉरी एक ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह पे सल्फर लगा दो. तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका क्या H2S2O3 का. और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सल्फर सल्फर का आपस में बॉन्ड बना हुआ है. दैट्स वाई ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा. यहाँ पे भी सेम एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं. सिमिलरली H2S2O8 को अगर देखोगे तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ. H2S2O8 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखेगा. सॉरी H2S2 को O8 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो क्या है, पहली बात आप ये बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, ये दो तरह के एसिड हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में पढ़ते हैं, बहुत फेमस है। इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, तो आप ऐसा कह लो जैसे कि एक H2SO4 का मॉलिक्यूल दूसरा H2SO4 का मॉलिक्यूल, दोनों को आपस में जोड़ दिया, बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड से। तो कैसा कहना चाह रहा हूँ मैं, देखना एक H2SO4 का मॉलिक्यूल जैसे कि ये ऐसे ही दूसरा H2SO4 का मॉलिक्यूल जैसे कि ये, इनको आपस में बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड से जोड़ दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है, सेम एलिमेंट में आपस में बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पे भी सेम एलिमेंट में बॉन्ड है, दैट्स वाई ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। इसका मतलब कि ये लास्ट के जो चार स्ट्रक्चर्स हैं, इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स में सेम एलिमेंट में आपस में बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे NN बॉन्ड है, यहाँ पे NN बॉन्ड है, यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। दैट्स वाई आंसर शुड बी 4। थैंक यू।